हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग 24 जून के द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। ये कंप्लीट एनालिसिस होगा फ्रॉम न्यूज़ टू एडिटोरियल सेक्शन। इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले हम लोग दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में पूछे गए थे। वो आप सबको नीचे कमेंट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द, यानी अटल इनोवेशन मिशन किसके तहत जो है सेटअप किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चार ऑप्शंस हैं अटल इनोवेशन मिशन के लिए। और सेकेंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन? मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये तीन दो क्वेश्चन हैं। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो है, आपको एक रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो कौन पब्लिश करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स वो कौन पब्लिश करता है, वो नीचे आपको कमेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के द हिंदू को। सबसे पहले अगेन इंडिया एंड चाइना के रिलेशन पर ये न्यूज़ है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो हमारी कोप्स कमांडर लेवल की जो बातचीत चल रही थी दोनों के बीच में, तो दोनों पक्ष इस बात पर एग्री हो गए हैं कि हम लोग पीछे जो सिचुएशन थी या पहले जो 5 मई से पहले जो लोकेशन पे या हमारी कंडीशन थी, यानी उसको फिर से लागू कर दिया जाए और धीरे धीरे जो है उसको डिसएंगेज के बारे में, यानी फेज्ड डिसएंगेजमेंट की बात की गई है। कंटिन्यू हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट रिलीज करी गई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है लेकिन ये बोला गया है कि द कोप्स कमांडर लेवल टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन जून 22 वर हेल्ड एट माल्डो, मोल्डो में ये हुई। ये कोरिडियल पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रही, एटमोसफेयर के अंदर ये हुई है। और दोनों पक्ष इन द सेंस चाइना एंड इंडिया इस इश्यू पर पहुँचे, इस डिस्कशन पहुँचे हैं कि फेज मैनर में सारी चीज़ें जो है रिसोल्व की जाएगी। इसमें पेट्रोलिंग पॉइंट हो 14, 15, 17A, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग तसो हो, चोशल हो, ये इन सभी पर बातचीत हुई। हमने देखा कि गालवान वैली में जो इंडियन फोर्स और चाइना की पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी के बीच में क्लैशेस देखने को मिला और हमारे 20 वीर जवान जो उसमें शहीद हो गए थे, क्योंकि हमारी तरफ से जो सोल्जर्स गए थे वहाँ पर वो बातचीत करने गए थे और उनको नहीं पता था कि वो चाइना जो उन पर ऐसे अटैक कर सकता है, इस वजह से हमें लॉस हुआ। इसके बाद वीके सिंह जो हमारे रिटायर्ड जनरल हैं और अभी मिनिस्टर भी है गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा था कि लगभग 40 सोल्जर चाइना के इसमें डेथ होगी उनकी, लेकिन चाइना ने कहा है कि ये सारे जो है ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, बीजिंग को इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कभी भी आप चाइना का थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे, चाइना कभी भी रिलीज नहीं करता अपना डाटा। कोविड-19 पेंडेमिक में डेथ के जो डाटा है वो उसने अभी तक रिलीज नहीं किया, एक्यूरेट डाटा वो नहीं देता है। डाटा हाइड करना शायद सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम भी है और शायद एक स्ट्रेटजी हो सकती है। लेट्स नो व्हाट हैपन। इसके बाद इंडिया, चाइना और रशिया के बीच में एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई, दोनों तरफ से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की भी और डिफेंस मिनिस्टर्स की भी। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरो ने कहा है कि भाई इंडिया एंड चाइना जो है वो कैपेबल है अपने इश्यूज़ को रिसोल्व करने के लिए, थर्ड कंट्री पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आरआईसी जो ग्रुप है, रशिया इंडिया चाइना, इनकी जो वर्चुअल मीटिंग हुई मिनिस्टर लेवल की, वहाँ पर डिफेंस, हेल्थ, कल्चर, टेक्नोलॉजी, इन सारे इश्यूज़ पर डिस्कशन हुआ और चीज़ों को रिसोल्व, मतलब बायलेटरल रिलेशन पर डिस्कशन नहीं होता। जब भी एक ट्राईलेटरल या मल्टीलेटरल ग्रुप्स की डिस्कशन होता है उसके लिए, ठीक है, कभी हम लोग सोचते थे जैसे SCO के अंदर इंडिया एंड पाकिस्तान मेंबर है तो क्या उससे भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कहना शायद जल्दबाजी, क्योंकि SCO का जो
थ्योरी है या एससीओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली कहता है कि कोई भी बायलेटरल, कोई भी द्विपक्षीय रिलेशन यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, राइट। इसके बाद स्लैश स्टाफ एडमिशन इंडिया टेल्स पाकिस्तान, हम लोग जो है अपने मेंबर्स को, चाहे वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर में हो या फिर इंडियन हाई कमीशन जो पाकिस्तान में है, दोनों तरफ, दोनों कंट्री जो अपने मेंबर्स को धीरे धीरे कम कर रही है, ये क्यों हुआ है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा 2019 के अंदर रिलेशन हमारे वर्स्ट होने शुरू हुए, हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो ट्रेड स्टेटस था वो हटा दिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि इसी कंट्री को प्रेफरेंस दी जाने वाली है, बट कुछ रियायत मिलती है टैक्स में, कस्टम में, राइट। इसके बाद हमने देखा 7 अगस्त को हमने आर्टिकल 370 एंड जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन पर डिसीजन लिया, तो पाकिस्तान ने ट्रेड हमसे कैंसिल कर दिया कि हम ट्रेड पाकिस्तान से करेंगे नहीं, जिसका भारत पर न के बराबर असर होगा क्योंकि हम इम्पोर्ट पाकिस्तान से करते नहीं। और वहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने ट्रेड ख़त्म किया, प्याज टमाटर ऐसी चीज़ जो डेली बेसिस पर रिक्वायर होती वो महंगी होगी, और अभी COVID-19 के दौरान वहाँ की फार्मा इंडस्ट्री ये बोल रही कि अगर इंडिया से हम लोग फार्मा या मेडिसिन नहीं मंगवाएंगे तो हमारा मेडिकल सेक्टर जो है कोलैप्स कर जाएगा, राइट। इसके बाद हमारे दो स्टाफ मेंबर थे वहाँ पर हाई कमीशन के, उन पर टॉर्चर किया गया, तो हमारी गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये स्टेटमेंट रिलीज़ करी है कि द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान इट्स ऑफिशियल इज नॉट कन्फर्मेटली विद द वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर डिप्लोमेटिक परस्पेक्टिव से, जितने भी डिप्लोमेट हैं उनकी सिक्योरिटी या उनको फ्रीडम के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन है। और बायलेटरल एग्रीमेंट जितने भी हमारे पाकिस्तान के साथ हुए हैं इसमें साफ कहा गया कि हम लोग ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, और ये वीना कन्वेंशन का क्लियरली वायलेशन यहाँ पर नज़र आता है, और कंटिन्यू स्टाफ को रिड्यूस करने के बारे में बात हो रही है, राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की गई है हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू सफूरा जारगर ऑन ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स। ये एक एक्टिविस्ट है जामिया मिलिया में, और NTCEA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो इन्होंने मोमेंट किया था, उसके बाद क्योंकि ये प्रेग्नेंट है तो इनको ह्यूमनिटेरियन बेसिस पर एक तरीके से बेल रिलीज कर दी गई, बेल प्रोवाइड करवाई गई है। इसमें एक एडिटोरियल भी द हिंदू में आया है, आज के न्यूज़पेपर में डिटेल से बताया गया है कि जब हम विरोध करते हैं या हम लोग ऐसे किसी भी कानून का विरोध करते हैं तो इस प्रकार के एक्शंस क्यों, और कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21, 22 इनका क्लियरली वायलेशन है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इनको देखो, हम लोग केस पर नहीं जाएंगे सही है गलत है वो गवर्नमेंट और पुलिस या जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा, हम लोग सिंपली कुछ चीज़ें समझ रहे हैं कि आर्टिकल 21, 22 क्या है, गवर्नमेंट किस बेसिस पर काम करती है, उन चीज़ों के बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है मेंस के अंदर क्वेश्चन आए, प्री में थोड़ी संभावना कम आप होती है बड़े एक्ट की, लेकिन मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप किसी भी एक्ट के बारे में लिखें तो प्लीज़ आप चाहे उसके पक्ष में हो चाहे विरोध में हो, वर्ड्स जो होने चाहिए वो प्रोफेशनल होने चाहिए, आप क्रिटिसिज्म भी ऐसा करें जिसे लगे कि इश्यूज क्या, कंसर्न गिनाइए आप अपने, राइट। ये ध्यान रखना है क्योंकि आपका आंसर, आप गवर्नमेंट के लिए काम करने जा रहे हैं और आप ऐसे बिल्कुल अजीबोगरीब स्टेटमेंट लिखेंगे तब आपकी पूरी आंसर शीट पर खराब असर डालेगा, तो इमोशंस के साथ नहीं लिखना है, प्रैक्टिकल आंसर होने चाहिए, कंसर्न पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप लिखना चाहें, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आप अपनी तरफ से ना लिखें। इसके बाद है कंट्री ऑफ ओरिजिन मस्ट ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट। ये बेसिकली क्या है, पिछले दिनों हमने फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़ में पढ़ा था कि कई जो ओरिजिन ऑफ प्लेसेस है उसका वायलेशन हो रहा है, चाइना उसका वायलेशन कर रहा है, हमारा आशियन कंट्रीज़ के साथ, जो 10 आशियन कंट्री उनके साथ बेसिकली फ्री
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चाइना डायरेक्टली हमारे यहाँ भेजेगा तो उस पर कस्टम लगेगा और कई सारी चीज़ें लगेंगी। तो गवर्नमेंट ने पाया कि आसियान कंट्री, खासकर सिंगापुर और वियतनाम जैसी कंट्री से कंटिन्यू जो है वो ट्रेड बढ़ रहा है, एफडीआई के थ्रू इसमें हमारे यहाँ पर कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे क्या है कि एक डाउट गवर्नमेंट को पैदा हुआ और अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, ये 2016-17 में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट में अनाउंस किया था और 9 अगस्त 2016 को ये एक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर कार्य करता है। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उस प्रोडक्ट का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से वो प्रोडक्ट जो आया है, ठीक है, ये अब कंपलसरी कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि लोकल कंटेंट यानी लोकल जो उसमें मटेरियल यूज़ होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया पॉलिसीज़ को फोकस किया जाएगा। ये एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के अंडर ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, ठीक है। और कोशिश गवर्नमेंट की क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए जिसके अंदर 50%+ जो है वो वेटेज हो किसका, लोकल प्रोडक्ट्स का। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड आप देखेंगे ट्रम्प सस्पेंड H-1B वीज़ा टिल ईयर एंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल में भी दिया गया है, बिजनेस वाले में भी दिया गया, कई चीज़ों पर है। तो हम इसको कंबाइन जब पढ़ेंगे तो डिटेल्स इन चीज़ों को पढ़ेंगे क्या है ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पतंजलि जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसने COVID-19 के लिए एक दवाई बना दी। अब यहाँ पर देखेंगे पतंजलि ने एक किट रिलीज करी थी कल कोरोनिल और शवाश्री के नाम से। तो गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उनको तुरंत प्रभाव से एडवर्टाइज करने के लिए रोक दिया है क्योंकि मिनिस्ट्री चाहती कि डिटेल इसकी होनी चाहिए, जो भी इसमें क्लेम किया जा रहा है उसकी पूरी की पूरी डिटेल मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने डिटेल्स में क्या क्या मांगा है कि ट्रीटमेंट की डिटेल बताइए, साइट, हॉस्पिटल, रिसर्च कहाँ हुआ, प्रोटोकॉल क्या फॉलो किया गया, सैंपल साइज क्या था, इंस्टीट्यूशन ऑफ एथिक्स कमेटी क्लियरेंस की रिपोर्ट दिखाइए, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया ये रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट डाटा ऑफ द स्टडी, स्टॉप एडवर्टाइजिंग पब्लिकेशन सस क्लेम्स टिल द इश्यू हैज़ बिन ड्यूली एग्जामिंड, यानी जब तक चीज़ें एग्जामिन नहीं की जाती तब तक आप पूरी की पूरी चीज़ों को रोक दीजिए। इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी ये क्वेश्चन मार्क लगाया गया, कंसर्न बताया गया कि लाइसेंस आप इसका प्रेजेंट करिएगा क्योंकि एज पर द प्रोविजन गवर्नमेंट प्रोविजन को फॉलो कर रही है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 रूल के अंडर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खासकर ऐसे कोई भी क्लेम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहती क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया चीज़ों को कवर करता है और अगर ये गलत साबित होता है, अगर ये गलत साबित हो जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है छवि पर। तो गवर्नमेंट ने जो किया बिल्कुल सही है कि प्रॉपर इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए कि ये कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, उसके बाद ही ये चीज़ें डिसाइड होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए मालाबार रिबेलियन के बारे में बात करेगी है कि लगभग 100 साल 1921 के अंदर हुआ था और अगर आप हिस्ट्री में बिलीव रखते हैं तो आपने पढ़ा होगा रिबेलियन के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो कई बार डायरेक्टली लिंक करते हैं क्योंकि 2021 में इसके 100 साल पूरे होंगे। तो उसके लिए सेलिब्रेशन के लिए स्क्रीन स्पेसेस या फिल्म के थ्रू, छोटी छोटी फिल्म के थ्रू दिखाया जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रिबेलियन हो जाता है, हिस्ट्री में तो है ही, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट किस लिए कि इसकी 100 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं और इन 100 ईयर में कैसे इस रिबेलियन की इम्पोर्टेंस है वो आप ज़रूर पढ़ेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए पेज नंबर 10 पे भी इसमें आया है वीज़ा वाले में डोनाल्ड ट्रम्प का जो डिसीजन है, तो हम इसको कम्बाइंड फर्स्ट न्यूज़, सेकेंड न्यूज़ और एडिटोरियल तीनों को कम्बाइंडली पढ़ेंगे लास्ट में, राइट। इसके बाद बात करेंगे पीएम केयर फाइनेंस करेगा वेंटिलेटर को, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो बनाया था गवर्नमेंट ने
इसके तहत मेड इन इंडिया के लिए वेंटिलेटर, लगभग 50,000 वेंटिलेटर गवर्नमेंट खरीदने जा रही है और इसकी कॉस्ट होगी अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़। ठीक है, इसके अलावा 1,000 करोड़ जो है वो लेबर के या माइग्रेंट लेबर के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए कि किस स्टेट को कितना मिला, इनको फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो 1,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने यूज़ करे हैं वो बेसिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिन स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं वो एकोमोडेशन, फूड, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द माइग्रेंट्स, ये इन सब प्रस्पेक्टिव में यूज़ किए जा सकते हैं जो 1,000 करोड़ पीएम केयर में मिलेंगे। किसके लिए? माइग्रेंट लेबर्स के लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को जो 25th वीक की प्रेगनेंसी होगा उसके तहत अगर किसी के मतलब ट्विन बेबी हैं तो, और ऐसी अब नॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाती है कि बच्चे को या तो बचाया जाना मुश्किल है या मदर की उसमें रिस्क ऑफ लाइफ है, तो उनको अबॉर्शन की, एक को अबॉर्शन करने की परमिशन होगी। मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971, अगर आप 20 वीक से अधिक प्रेग्नेंट है तब आप पर प्रतिबंध लगाता है कि आप बिल्कुल अबॉर्शन नहीं करवा सकते। एक्सेप्शंस अलग है, जैसे उसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग ना हो या कई बार रेप सर्वाइवल के केसेस में हम देखते हैं इस तरह की चीज़ें, या इस तरह की परमिशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कोर्ट द्वारा दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है। उसके बाद सेंटर टू रीइंबर्स एप्लीकेंट्स फॉर हज, नो इंटरनेशनल पिलग्रिम दिस ईयर। सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, सऊदी अरब के हज और उमरा मिनिस्टर जो है मोहम्मद सलाह बिन ताहर बेंटन, इनका नाम बहुत बड़ा एक, तो उन्होंने हमारे यूनियन माइनॉरिटी में अफेयर मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी को फ़ोन कॉल पे इन्फॉर्म किया कि इस बार कोविड-19 पैंडमिक के दौरान हज जो है वो नहीं होगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिन पिलग्रिम्स ने इसके लिए पेमेंट किया था वो तुरंत प्रभाव से वापस कर दिए जाएंगे। लगभग 2,13,000 अप्लीकेशन थी, उनको इमीडिएट इफेक्ट से जो है वो पेमेंट की जाएगी। वुमेन पिलग्रिम के बारे में बताया गया कि लगभग 50% जो है वो वुमेन पिलग्रिम थी और उसके अंदर 3,040, अप्रोक्सीमेटली 3,000 जो थी वो ऐसी थी जो महरम यानी मेल कंपेनियन के बिना यात्रा करेंगी। गवर्नमेंट ने पिछले साल परमिशन दे दी थी कि एक मुस्लिम महिला जो है वो बिना किसी मेल पार्टनर के, पार्टनर इन द सेंस भाई हो सकता है, फादर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनके बिना पर ट्रेवल कर सकती है। ये जो वर्ड यूज किया गया महराम, महराम का मतलब होता है मेल कंपनी, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली इस साल भी लगभग 2,300 महिलाएं जो है वो अप्लाई किया इसके तहत बिना महराम के, और 2021 में नेक्स्ट ईयर जो अप्लीकेंट होंगे इन्हीं में से वो जा सकते हैं, ये री एलिजिबल होंगे इसके लिए, ठीक है। इसके बाद इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम लगभग 50% के आसपास या उससे ज़्यादा रशिया से ट्रेड करते हैं डिफेंस सेक्टर में। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए और उन्होंने रशिया से बायलिटरल बात करी कि हम लोग जो एग्रीमेंट है उसके तहत जो डिलीवरी है खासकर S-400 मिसाइल सिस्टम की वो जल्द से जल्द चाहते हैं। ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और डिफेंस सिस्टम का एक एडवांस वर्जन है। इसके लिए मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टडी IQ पे प्रशांत धवन साहब ने एक वीडियो अपलोड किया है S-400 को डिटेल से उन्होंने बताया है कि भारत को ये अर्ली क्यों चाहिए, जल्दी क्यों चाहिए और क्यों भारत इसकी 2021 में डिलीवरी होने वाली है उससे पहले क्यों रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। जुलाई में हम 8 से 10 राफेल जो है वो रिसीव करेंगे, भारत इतनी तेज़ी से क्यों काम कर रहा है, भारत को ये क्यों चाहिए? उसके पीछे सीधा सीधा लॉजिक है कि चाइना एंड पाकिस्तान के साथ साथ हमें नेपाल और बांग्लादेश से भी कह सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न इस टाइम पे है, तो गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। इंडिया चाइना बॉर्डर खासकर प्रायोरिटी है, लेकिन पाकिस्तान, अभी हाल ही में नेपाल ने अपनी ट्रुप लगा दी, बांग्लादेश के साथ अभी ट्रेड जो चाइना ने इंक्रीज किया उसकी वजह से एक स्ट्रेटजिकल टेंशन हो गई है,
इन सब के बीच में गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी की जाए। इसके बाद बात करेंगे, चाइना ने वार्न किया है यूएस को कि एक नेवल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस 3,75,000 अप्रोक्सीमेटली 4.25 लाख सोल्जर्स को डिप्लॉय कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जो कि एक चिंता का कारण है। अब हमने देखा कि एशिया पैसिफिक रीजन में साउथ चाइना सी एक ऐसी जगह है जो कंटिन्यू न्यूज़ में रहती है। साउथ चाइना सी न्यूज़ में क्यों रहता है उसको थोड़ा हम समझेंगे, क्या रीजन है कि साउथ चाइना सी पे चाइना कंटिन्यू क्लेम करता है या ये इतना न्यूज़ में क्यों रहता है। साउथ चाइना सी का एक डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटजिकल और बिजनेस परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जितना ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है इससे जाता है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि चाइना जो है एक आर्टिफिशियल लाइन के थ्रू क्लेम करता है कि 9 डैश लाइन जिसको बोलते हैं, ऐसे एक आर्टिफिशियल लाइन है, 9 डैश लाइन जो है वो चाइना की टेरिटरी है। अब अगर 9 डैश लाइन को हम इसको मान लें कि ये उनकी हिस्सा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी शिप्स यहाँ से जाएंगे वो चाइना की परमिशन लेकर जाएंगे। इसके अलावा 2 आइलैंड, पार्सल आइलैंड और स्पाथली आइलैंड, इन पर डिस्प्यूट है। चाइना क्लेम करता कि हमारे हैं, और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ये कंट्री बोलती कि हमारे हैं, इन पर एक अलग डिस्प्यूट देखने को मिलता है। यूएस के लिए स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ट्रेड के परस्पेक्टिव से भी और स्ट्रेटजिकली यूएस कॉन्टिन्यू इसमें पार्टिसिपेट करता है। हम भी वियतनाम यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो है वो ऑयल फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, हमारा भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर है। यहाँ पर बताया गया कि साउथ चाइना सी के अंदर यूनाइटेड स्टेट की जो फोकस है वो और सबकी फोकस है कि इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर नेविगेशन की फ्रीडम होनी चाहिए। चाइना उसको कंट्रोल करना चाहता है और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी जो है उसको वो नहीं मानता। पहले कई बार उन्होंने जजमेंट दिए हैं कि आप इसका वायोलेशन कर रहे हैं, बट वो नहीं मानता। अभी क्या है, रिपोर्ट्स बोल रही है कि इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स में जो है गवर्नमेंट यूएस अपनी नेवी को वहाँ पर तैनात कर सकती है, एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े कर सकती है, जिसकी वजह से चाइना बोलता कि फ्लीट पैदा हो सकता है और इसमें मिलिट्री एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मिलिट्री एंगेजमेंट होता है तो इस रीजन में दोनों कंट्री, चाइना और यूएस के रिलेशन तो जो है वो ख़राब होंगे ही होंगे, बट इसका और ज़्यादा नेगेटिव असर भी पड़ेगा। सेकंड है, यहाँ पर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे पहले, उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च करी, उनमें कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट रिलीज करी, हम लोग उन पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ों पर या कुछ डील या कुछ कह सकते हैं ट्रीटीज़ पर डिस्कशन किया, हम ट्रीटीज़ को थोड़ा समझेंगे, संधियों को थोड़ा समझेंगे। पहला है पेरिस डील। डोनाल्ड ट्रंप साहब जाने जाते हैं कि वो लगभग हर ट्रीटी से बाहर अपने आप को कर रहे हैं, तो पेरिस डील आप जानते होंगे, एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज पर जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं उसमें CO2 और जितनी ग्रीन हाउस गैसेज उनको कंट्रोल करने के लिए ट्रीटी हुई थी, लेकिन यूएस ने उस अपने आप को वहाँ से बाहर निकाला। तो ये इंडिया एंड चाइना को बता रहे हैं कि उनको एक एडवांटेज मिल गया, वो चीज़ छोड़ देते हैं किसको एडवांटेज किसको नहीं। एडवांटेज इन द सेंस कि जब ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया इफेक्ट होगी, यूएस खुद इफेक्टेड है, तब पता चलता है कि किसी भी कंट्री पर, खासकर जो पुअर कंट्री, गरीब देश है, वहाँ पर ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे हेती है, फिजी है, इन कंट्री के पास पैसा नहीं है, बट ये ट्रेजेडी झेलते हैं, डिजास्टर झेलते हैं। इसके बाद IMF का बात किया गया, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, ये 1987 में रशिया और US के बीच में हुई थी। बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको धीरे धीरे कम करने के बारे में, और एक दूसरे को ऑब्जर्वर जो उसको मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं डिटेल को, लेकिन उसको भी वापस उन्होंने निकाल लिया। इसके बाद JCPOA के बारे में डिस्कशन किया गया, एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था ईरान और P5+1, P5 मतलब जो न्यूक्लियर स्टेट है 5, ठीक है, या परमानेंट मेंबर है वो, और +1 जर्मनी, ये कंट्री के बीच और US के बीच में एग्रीमेंट हुआ था।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उससे अपने आप को बाहर निकाला। उसके बाद बताया कि भारत को 6 मंथ का इसमें एग्जेंप्शन मिला था। इसके बाद इन्होंने एक ट्रीटी का डिस्कशन किया, यह CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। बेसिकली जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था तब US और रशिया जो न्यूक्लियर स्टेट थे वो चाहते थे कि कोई और कंट्री इसको हासिल ना कर सके। भारत पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने इस पर साइन नहीं किया और ना ही इसको रेटिफाई कराया। भारत चाइना और पाकिस्तान ये सोचते थे कि ये एक तरफा है और ये वेस्टर्न कंट्री की तरफ झुकाव नज़र रखते कि वो न्यूक्लियर स्टेट है और किसी और कंट्री को नहीं चाहते कि वो न्यूक्लियर स्टेट बने। इसके बाद हालांकि ईरान, इजराइल, US इन कंट्रियों ने भी इसको रेटिफाई नहीं किया है, साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया है, उसको अप्रूवल नहीं दी है। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमने देखा कि कस्टम लेवी सोलर इक्विपमेंट जो हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी इम्पोज करेंगे, खासकर चाइना से जो सोलर इक्विपमेंट जिसमें सोलर सेल हो सकते हैं, पैनल हो सकते हैं, उनको एक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने जा रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इंक्रेज करना चाहते हैं और चाइना के थ्रू जो डंप कर रहे हैं उसको रोकना चाहते हैं। हालांकि हमारा टारगेट 2022 तक है कि हम 100 गीगावाट को हासिल करें बिजली को सोलर के थ्रू, बट अगर सोलर पैनल सस्ते नहीं होंगे, अगर सोलर इक्विपमेंट सस्ते नहीं होंगे तो ये चैलेंजिंग हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी बार बार न्यूज में आती है, तो मैं कस्टम ड्यूटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कस्टम ड्यूटी क्या है। यहाँ पर बताएंगे कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है। कस्टम ड्यूटी इज लेविड व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, मतलब कोई वस्तु ट्रांसपोर्ट की जाती है क्रॉस बॉर्डर बिटवीन कंट्री। ये एक तरह का टैक्स है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर। कस्टम ड्यूटी बेनिफिशियल है कई रीजन से, जैसे किसी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जॉब्स, एनवायरनमेंट, अदर उनको सिक्योर करने के लिए। ये बेसिकली कंट्री के अंदर रेगुलेट करती है सामान की, चाहे वो आना हो या जाना हो। ठीक है, इसमें कई तरह की कस्टम ड्यूटी होती है, जो यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी का डिस्कशन किया गया वो भी इसका हिस्सा है, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और स्पेशल CVD, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एजुकेशन सेस ऑन कस्टम ड्यूटी। तो ये अलग अलग तरीके की ड्यूटीज यहाँ पर दी गई। आपको कस्टम ड्यूटी पता होनी चाहिए कस्टम ड्यूटी क्या है। इसके बाद हम लोग चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर, जहाँ पर हम दो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल समझेंगे। पहला है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो वीज़ा रिलेटेड डिसीजन लिया है या एक डील को उन्होंने साइन किया वो, और सेकंड एग्रीकल्चर सेक्टर पर, उस पेज पर हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बताया गया डाउनिंग द शटर्स, यानी शटर्स को बंद करना। शटर्स को बंद करना ये एक फिराज टाइप यूज किया गया है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो वीज़ा पॉलिसीज है उनको हल्ट कर दिया, एक तरीके से रोक दिया गया है। और इसका रिलेशन माना जा रहा है कि नवंबर के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं US के अंदर, उसको लेकर व्हाइट हाउस का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट से है डायरेक्टली, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि नॉन इमिग्रेशन वर्क वीज़ा अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, बेसिकली जो फॉरेन वर्कर्स हैं और जिसमें H1B वीज़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये ऐसा वीज़ा जो स्किल्ड वर्कर को प्रोवाइड किया जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नोलॉजी। अब इसका सीधा असर पड़ेगा इंडिया पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द H1B वीज़ा जो है वो इंडियन नेशनल द्वारा हासिल किया जाता है। बड़ी संख्या में हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर IT सेक्टर में वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को L1 वीज़ा जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए, J1 वीज़ा फॉर स्टूडेंट्स ऑन वर्क स्टडीज समर प्रोग्राम, H4 वीज़ा जो कि डिपेंडेंट है H1B वीज़ा के, इन सब पर इसका असर होता हुआ दिखाई देगा। जून 24 से ये चीज़ें जो है वो लागू हो जाएगी। हालांकि जिसको पहले से वीज़ा मिला हुआ है या पहले से ही परमिशन है उन पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और 1 साल तक ये होल्ड रहेगा। गवर्नमेंट का क्या कहना, व्हाइट हाउस इसके बारे में क्या कहता है कि COVID-19 पेंडेमिक ने सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट किया है अमेरिकन्स को,
और फरवरी और मई के बीच में 13.3% तक की जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पर पहुँच गई है। आप डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन कैंपेन देखेंगे, अमेरिकन फर्स्ट यानी उनकी प्रायोरिटी यूएस होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है उसमें अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी और अग्रेशन एक्शन उसके लिए लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट इस इंडिया का इस पर नेगेटिव असर पड़ने जा रहा है और बहुत सारे लोग इसमें जो है वो काम खो देंगे। उनका कहना है कि लगभग 20 मिलियन यूएस वर्कर ने जॉब खो दी है की इंडस्ट्री में, खासकर H-1B वीज़ा और L-1 वर्कर्स की वजह से, जो कि बड़ा नंबर है। और इसलिए इस तरह की वीज़ा को कैंसिल किया जा रहा है, इस तरह की वीज़ाज को रोका जा सकता है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई साहब ने इसको रिस्पोंड किया बाई ट्वीट करके कि भाई इमिग्रेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू अमेरिकन इकोनॉमिक सक्सेस। इमिग्रेशन ने ही यूएस की इकोनॉमी को सक्सेस हासिल करवाई है या उसमें बड़ा रोल प्ले किया है। ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने के लिए इन्हीं इमिग्रेट, और खुद अगर हम देखें सुंदर पिचाई साहब खुद जब गूगल के सीईओ बने वो भी इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डिसअपॉइंट हुआ इस तरह की चीज़ों को लेकर। ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। लगभग 500 ऐसी कंपनियां हैं, उनका कहना है कि अगर इस तरह की चीज़ें लागू होती है तो ये इंडस्ट्री पर नेगेटिव असर करेगी, इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उस पर एक हार्ड अटैक माना जाएगा इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट पेज पे एक एडिटोरियल है जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इसको टाइटल दिया गया क्रॉप्स फॉर आयरनी आयरनी फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर वेलफेयर आर इंटरविंग। यहाँ पर बताया गया कि इस पेंडेमिक के दौरान जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर नेगेटिव असर पड़ा है। इसने गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 उसके अंदर अमेंडमेंट करना। ये कमोडिटीज एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीटी के हिसाब से। पीटी में इस पे क्वेश्चन पहले भी हुआ है कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आएंगे। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप लोग उसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में रिफॉर्म करिए और लॉन्ग टर्म चेंज, खासकर ई प्राइसिंग को लेकर, ई ट्रेडिंग को लेकर, फेयर प्राइसिंग को लेकर और लिक्विडिटी मेजर को लेकर आप लोग फॉलो करिए। एग्रीकल्चर जो एक स्टेट लिस्ट का इशू है, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जब उस पर पूछा गया था ये किसके अंदर काम करता था, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। यूपीएससी 2 बार ये सवाल पूछ चुकी है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर जो प्रोडक्ट आते हैं वो, और सेकेंड जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, दोनों पर क्वेश्चन हुए हैं। गवर्नमेंट फोकस कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इंक्रेज कर रही है कि थ्री मॉडल लॉज को फॉलो करिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एंड मार्केटिंग। अब बहुत सारे फार्मर एसोसिएशन गवर्नमेंट जो है इसका विरोध कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का, जो फार्मर्स हैं उनका एक्सप्लोटेशन बढ़ जाएगा, शोषण बढ़ जाएगा, वो एक अलग है। लेकिन ये भी सही कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वैल्यू भी मिलती है, तो ये एनालिसिस का एक विषय हो सकता है। COVID-19 के दौरान हमने देखा कि बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर जो हैं जो शहरों में गए थे काम करने के लिए, अब वापस लौट रहे हैं, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। कृषि क्षेत्र के अंदर हमने देखा कि एक्सेस लोग हैं, एक्सेस इन द सेंस कि अगर 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो 4 लोग तक काम करें क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कंज्यूमर मार्केट्स में, जहाँ पर फार्मर बेसिकली अपने प्राइसेस को, क्योंकि हमने देखा प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं वेजिटेबल्स के, और उनको रोड पर फेंकते हुए देखा क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं है। उसको इम्प्रूव करने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी भूखे सोते हैं। इसके अलावा बफर स्टॉक जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, इन सबको मेंटेन करना पड़ेगा। एक तरफ हमारे गोदाम ओवरफ्लो हो रहे हैं, दूसरी तरफ हंगर रेट बढ़ रहा है, क्योंकि तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब रिलीज किया गया था, यहाँ पर आप देखेंगे 28 मई 2020 को, तो हम
ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 102वें नंबर पे थे 117 कंट्री में। तो ये एक अलग चैलेंज क्रिएट करता है हमारे सामने कि हमारे पास अगर एडिक्वेट इसमें कंडीशन में फूड है तो उसको अवेलेबल करवाना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक कंसेप्ट कंटिन्यू न्यूज में वन नेशन वन राशन कार्ड हैज पोटेंशियल, इसके अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन कंसर्न क्या है कि इमिडिएट रिलीफ कैसे होगा हंगर से या हंगरी से, ठीक है, रिलीज किया जाए उसमें क्वांटिटीज ऑफ फूड की, फ्री फूड ग्रेन पल्सिस दाल वगैरह जो है वो राशन कार्ड के थ्रू, या ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। इसके बाद यहाँ पर देखा कि इस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारी चीज़ें हुई। पहला तो जब रबी क्रॉप हुई थी उसके अंदर स्टार्टिंग अनसीजनल रेन हुई, अभी हमने देखा लोकोस्ट यानी टिड्डी अटैक जो आपने सुना होगा, लोकोस्ट इन्वेजन देखने को मिला खरीफ वाले टाइम पे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो फार्मर्स है वो फिर से पावर्टी ग्रीव लोन के ट्रैप में फिर से फंस रहे हैं, हालांकि आरबीआई ईएमआई को एक्सटेंड कर रहा है, बट ओवरऑल जो 14 क्रॉप्स जो थी खरीफ की उनके अंदर एमएसपी जो हाइक किया गया है वो उसका सही बेनिफिट होना चाहिए। लोन्स पे करने के लिए मिनिमम, या तो लोन को उसकी जो इंटरेस्ट रेट है उसको मिनिमम करें, ईएमआई को बढ़ाएं ताकि फार्मर जो है वो उसका पे कर सके। किसान की एक हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कि वो उसको लोन माफ़ी नहीं चाहिए, लोन माफ़ी की बजाय आप उनकी क्रॉप्स की वैल्यू दीजिए, जब उनके पास पैसे होंगे तो अपने आप घर देंगे, वो इतने कैपेबल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनकी फसल की प्रॉपर वैल्यू देनी पड़ेगी तभी वो लोन पे करने के लिए कैपेबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में जो बताया गया कि जितनी भी स्कीम है पीएम किसान हो, हम लोग गो लोकल की बात करते हैं, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब को इंश्योर करने पड़ेगा कि फर्टिलाइजर सीड इन सब की प्रॉपर सप्लाई हो। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर ये स्कीम जो है वो काम करे। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमने देखा कि हमारी रैंकिंग 102 थी आउट ऑफ 117 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर 17% तक रोल करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की लगभग 50% पॉपुलेशन जो है इस सेक्टर में काम करती है। हमारा जो एक ड्रीम था गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम वो डबल करनी है, वो 2 साल में पूरा हो जाएगा, ये अभी भी चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज का सबसे ख़राब असर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ेगा, और इसके लिए फार्मर्स क्या रेजिलेंस अपना सकते हैं वो भी अपने आप में चैलेंज है। अभी हमें आवश्यकता है कि मिलके काम करें, और फार्मर सेक्टर में खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसानों की लाइफ में हम चेंज कैसे कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे हमने डिस्कशन किया और डिटेल से दोनों को कंबाइन करते हुए डिस्कस किया। थैंक यू ऑल, जय हिंद।